पेशनर आज हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे और हज़्ब मानून जब भी हमने जब से पीडीपी बनी है अगस्त 99 में मुफ्ती साहब की क्यादत में और काफी हमारे साथी थे तो ये मकसद से बनी हुई है क्योंकि जम्मू कश्मीर किसी आम रियासत की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर पिछले 77 साल से एक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बोलिए और काफी इनसिक्योरिटीज का मरकज रहा है। इसलिए 99 में जबकि हम कांग्रेस में थे, मैं सीएलपी लीडर थी उस वक्त, हमने कांग्रेस छोड़ के मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, हमने पीडीपी का की बुनियाद रखी इस वजह से कि हम चाहते थे कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज अभी तक तो ऐसा है आज भी है कि मसले कश्मीर के हल के हवाले से आम तौर से वो पार्टीज बात करती है, वो पार्टीज आवाज उठाती है जो मेन स्ट्रीम में नहीं होती है। इसीलिए मुफ्ती साहब का अपना तजुर्बा, जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि जो मेन स्ट्रीम पार्टी जो हिंदुस्तान के आईन में की रखती है उसी पार्टी को जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से पेशरफ्त करना होगी तभी कुछ हो सकता है। और यही वजह है जब हमने जो हमारा उस वक्त जो हमारा डिक्लेरेशन है उसमें कुछ अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला बड़ा मुद्दा है कि पीडीपी विल फैसिलिटेट, यानी वो मदद करेंगे जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने में, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत के दलदल से बाहर निकाल देने। उसके बाद रिकंसिलेशन विद इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, और उसके बाद जब हमें मौका मिला कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तो हमने इन्हीं मुद्दों के ऊपर जोर दिया। और आज भी मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर का मसला कहीं गया नहीं है। आज भी हमारे हर गांव में कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भरे हुए हैं, जम्मू में शमशान का जिसमें हमारे हिंदू लोग भी मारे गए, हमारे कश्मीर के लोग भी मारे गए। और मसले जो का तू है, बल्कि 370 खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने चाहा कि मसले कश्मीर को 370 तक लाके उसके बाद 370 के साथ स्टेटहुड हो जाएगा तो मसले कश्मीर 370 को खत्म कर दे। अब मसले कश्मीर की बहस जो इस वक्त है, पहले तो थी इलेक्शन पे, अब सीट शेयरिंग है कि किसको कितनी सीटें मिलती। मैं समझती हूँ मसले कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। हमारे हजारों नौजवानों की शहादत है जिसमें हमारे मुल्क के जवान भी शामिल है जो वर्दी पहन के यहाँ आके शहीद हो गए और हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो हमारे हजारों बच्चियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, तो ये जिंदा मिसाल है। हो सकता है वो शहीद है मगर वो जो हमारे कब्रिस्तान है वो जिंदा मिसाल है कि मसले कश्मीर जो का तुम है। और हाल ही में जो इलेक्शन हुए उसमें भी खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि वो मसले कश्मीर को भूलने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह उन्होंने एक शख्स जिसके ऊपर ने इल्जाम लगाया कि ये हुरियत पसंद है, ये सेपरेटिस्ट के साथ मिला हुआ है, ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हुआ है, उसको कामयाब बनाया, उसका मतलब है मसले कश्मीर है। इसलिए पीडीपी की जो पॉलिसी है, जो मुफ्ती साहब का डॉक्ट्रिन है, जो मुफ्ती साहब का विजन है जिसकी उन्होंने शुरुआत की, उसको एक तो कई लीडर है वो विजन की बात करते हैं, वो एजेंडे की बात करते हैं और 70 साल से सुना है हमने, मगर मुफ्ती साहब वाहिद ऐसे लीडर है जिन्होंने एजेंडे की बात की और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया, चाहे वो वाजपेयी जी थे चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डायलॉग हुआ पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के सेपरेटिस्ट के साथ भी, रास्ते खुले रावलाकोट भी और यहाँ से उड़ी भी, तो इसलिए उसी को हम आगे चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं, हमारा मानना है जम्मू कश्मीर 370 का मामला नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला नहीं है खाली,
जम्मू कश्मीर इलेक्शन का मामला नहीं, न सीट शेयरिंग का मामला है, उसको कितनी सीटें और मुझे कितनी सीटें। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है, जिसको जैसे हमने पहले भी उसके लिए एक नक्शा दिया मुफ्ती साहब के वक्त में, बातचीत का, रिकंसिलेशन का, यहाँ भी बाहर भी, मगर मैं कहती हूँ शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए रिकंसिलेशन की, क्योंकि जो यहाँ लोगों के ऊपर दबाव है दोष है उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो आज का ये मैनिफेस्टो है उसमें रिकंसिलेशन डायलॉग के साथ साथ जो एलओसी पे हमारा जो ट्रेड है, ट्रेवल है, उसकी हम बात कर रहे हैं, शारदा पीठ की बात कर रहे हैं जो हमारे कश्मीरी पंडित हमेशा बार बार कहते हैं जो लाइन के उस पार है, ट्रेडिशनल रूट्स जो सेंट्रल और साउथ एशिया से हम उसके लिए स्ट्राइव करेंगे, जदोजहद करेंगे, और जो हमारे लोगों का यहाँ दम घुटता है, पीएससी, पीएसए, यूएपीए और एनिमी एक्ट, जिसके तहत आप किसी भी मजहबी रहनुमा को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट कर सकते हैं, ये जो मुल्क का दुश्मन है उसको खत्म करने की बात करते हैं, और जो हमारे काफी लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, हम उनके केसेस रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, हाईवे पे जो हैरेसमेंट होती है उसको हम खत्म करने की बात करते हैं, और जो बातचीत पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां तक मीडिया का सवाल है, जो कदगन है आप बात नहीं कर सकते कोई इस वक्त, आपको मेरे ख्याल में यहां से पहले वीडियो वहां दिखानी पड़ेगी सीआईडी डिपार्टमेंट में, आपने क्या रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड, क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे। तो इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे कि हम, उन्होंने बोला 200 हम 300, नहीं, हम वही बोलते हैं कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री देना चाहते हैं, जो 200 से ज्यादा करेगा उसका नहीं होगा वो, और जो वन टाइम सेटलमेंट जो पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे, वाटर में जो टैक्सेस को अबॉलिश करना चाहते हैं, मीटर्स नहीं लगने चाहिए पानी के लिए, और जिन घरों में जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके घर में 1 से 6 लोग हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की स्कीम और फिर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि जो चावल मिलता है, राशन मिलता है वो पूरा नहीं पड़ता है, इसीलिए 12 सिलेंडर जो गरीब लोग हैं साल के उनको देखना चाहते हैं हम। स्टैम्प ड्यूटी जो मैंने अपने चैनल पे विमेन्स के नाम पे जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी उस पर मैंने स्टैम्प ड्यूटी खत्म की थी, जिसकी वजह से कई प्रॉपर्टीज औरतों के नाम पे लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के गवर्नर साहब ने उसको खत्म किया, हम उसको वापस लाएंगे, और जो सोशल सिक्योरिटी है उसको हम डबल करेंगे, जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, काफी सारी चीजें हैं, और जो हमारे रिसोर्सेस है, फर्स्ट राइट टू लोकल्स, क्योंकि हम देखते हैं हर चीज पे लीज खत्म करो गुलमर्ग में, क्यों, बाहर के इंसान को लीज देनी है, होटल की लीज खत्म करो क्योंकि अडानी अंबानी को लीज देनी है, तो इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट राइट टू लोकल्स इन ऑल गवर्नमेंट टेंडर्स, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में लोकल्स को, और जो हमारी लीज है होटलियर्स की, मकान वालों की, जिसको ये एकदम खत्म करना चाहते हैं हम, उसमें भी चाहते हैं कि जो लोकल्स है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिले। केसीसी लोन को हम वेव ऑफ करना चाहते हैं फार्मर्स के, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हम लागू करना चाहते हैं, जहां जो सेब खुद नीचे गिरता है उसको सरकार खरीदे वाजिब दाम पे, और मंडिया जैसे कि आप जानते हैं हॉर्टिकल्चर में मुफ्ती साहब ने बहुत काम किया, टोल टैक्स माफ किया, मंडिया जगह जगह बनाई, जो हाइब्रिड स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की, और हम हॉर्टिकल्चर में एक काम ये भी करना चाहते हैं कि जो बाहर से सेब आता है उस पे हम 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना चाहते हैं, ताकि कम से कम लोकली जो यहाँ हमारे लोग जो है वो अपना लोकल सेब जो उनको सस्ता मिले बाहर के सेब के मुकाबले में। इतना सारा तो मैं नहीं पढ़ सकती, पर जो जो मुझसे हो सकता है यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सबसे पहले तो जितनी भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, वैकेंसीज अवेलेबल है, एक साल के अंदर हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट उनकी भर्ती करेंगे, और साफ शफाफ तरीके से, जैसे पुलिस में भर्ती हुई थी, जैसे रेफरल तालीम में मुफ्ती साहब के टाइम में भर्ती हुई थी, 60,000 टेलीविजन जिनको हम रेगुलर करने के लिए हमने सब कुछ किया था,
वो पेंडिंग है उसको हम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम हम दोबारा लागू करेंगे। जो कुक्स होते हैं स्कूलों में जिनको 1000 रुपया मिलता है उनको 2500 करेंगे। होम गार्ड्स की हम ऑनरेरियम बढ़ाएंगे। रहबर तालीम टीचर्स की ट्रांसफर का हम पॉलिसी लाएंगे। डिस्टर्ब एरिया अलाउंस जम्मू कश्मीर पुलिस को देने की बात है। रेगुलराइजेशन ऑफ एसपीओ और मिनिमम वेजेस एक्ट की बात है। और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स और यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाते हैं उनका ऑनरेरियम बढ़ाने की, सीआईसी ऑपरेटर्स को उनका तनख्वाह बढ़ाने की और रेवर खेल रेगुलराइजेशन की बात है। और उसके बाद पावर में ट्रांसफर ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, इसके पहले भी हमने रखा है इसको, ये हमारे एजेंडे में है, कोई नई बात मैं नहीं कह रही हूँ। अगर वो हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं दे सकते हैं तो हमें कंपनसेट करें, हमें उसके बदले बिजली दे ताकि हम अपने लोगों को सहूलियत दे सके। स्कीम्स को हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी जिसमें 2 मेडिकल कॉलेज वो करना चाहते हैं हम, ईच एक जम्मू में एक कश्मीर में। डिज्नी जो आपको याद होगा कि मुफ्ती साहब ने अपने टाइम में कई जगह पे आर्मी से जमीन जहाँ हालात ठीक हुए थे खाली करवाई थी, हमने यूनिवर्सिटी कैंपसेस बनाए थे। उसके बाद टट्टू ग्राउंड की भी शुरुआत मुफ्ती साहब ने की थी और मुझे उम्मीद है कि जैसे खुद होम मिनिस्टर ने कहा इसको हम खाली करेंगे। वहाँ हम डिज्नी एडवेंचर पार्क बनाना चाहते हैं जिसकी शुरुआत मुफ्ती साहब के वक्त में हुई थी। फ्री लीगल एड जो हमारे जेलों में हमारे लोग बंद है, हम कोशिश करेंगे कि उनको फ्री लीगल एड मिले ताकि जल्द अज जल्द वो अपने घरों में वापस पहुंचे। अंडर ट्रायल्स है उनकी विचारों की, वो अदालत में कार्रवाई भी नहीं होती है। दरबार मूव को हम रिस्टोर करना चाहते हैं और पासपोर्ट में जो लोगों को दिक्कत है उसको ईज करना चाहते हैं। और जो स्टूडेंट्स बाहर से मेडिकल कॉलेज से आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी कहाँ कहाँ से, उनकी डिग्रीज रिकग्नाइज नहीं हो रही है, हम उसके लिए भी जदोजहद करेंगे। और एकेडमिक सेशन जो मार्च में होता है उसको हम ऑरिजिनल टाइमिंग पे ले जाएंगे। और टेम्पल्स और मस्जिदें और गुरुद्वारों को हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं। पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड करना चाहते हैं। और ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके बारे में खुसूसी हम अपना एक पैकेज लाना चाहते हैं ताकि उनको पूरे हकूक मिले, हेल्थ केयर मिले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले और उनको भी वो भी इज्जत से अपनी जिंदगी बसर कर सके। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने इन लोगों को बहुत नजदीक से देखा है, इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हालात से गुजरती है। और प्रेस क्लब जिसका जिसके ऊपर इस वक्त पूरा कब्जा करके रखा है, हमारी कोशिश होगी कि उसे उन चंगल से उसको छुड़ा के आप लोगों के हाथों में उसको दिया जाए। और मुहर्रम के लिए एक डेडिकेटेड बजट हो और डिसेबिलिटी जो लोग हैं हमारे उनके लिए कम्युनिटी, ताकि जो भी उनके जॉब्स खाली है सरकार में उनकी जल्द अज जल्द उनको पूर किया जाए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स के अलावा हम स्कूटीज दे सके। मैंने देखा कि जब आप इनको स्कूटी देते हैं तो ये कितने मोबाइल बन जाते हैं, इनके कितने सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ मुगल सराय, मुगल रोड टनल और मुगल रोड टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, ट्रैवल ट्रेड ऑन पुंछ रावलापुर रोड, वाटर टूरिज्म सर्किट जेहलम बुलर मानसबल लेक, डेडिकेटेड कॉरिडोर टू एनहांस एंड प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म बिटवीन जम्मू एंड कटरा, सनासर और मानसर लेक पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, चिनाब वैली में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए डोगरा हेरिटेज सेंटर है जम्मू में, कश्मीर हेरिटेज सेंटर है कश्मीरी में, बनी बसोली टूरिज्म कॉरिडोर, लोरन गुलमर्ग टनल, बुदन शुपियन रोड और 2% रॉयल्टी फ्रॉम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अक्रॉस जेएंडके ताकि लोकल एरियाज के ऊपर वो खर्च किया जाए। और एनुअल पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ इन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट्स कॉर्पोरेशन अक्रॉस ऑल रीजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो पी और जे के रेफ्यूजीज का पेंडिंग कंपनसेशन है उसको दे। और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के लिए 1 बेडरूम के बजाय 2 बेडरूम और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है 5 मरला लैंड लैंडलेस उसमें इनको प्रायोरिटी दी जाए। और भी जो उनको वापस बाइजर वापस लाने के लिए जो भी हमसे करना पड़ेगा इंशाल्लाह हम करेंगे। ट्राइबल्स के लिए
full implementation of forest rights for land rights, unlawful displacement रोकने के लिए, और उसके बाद जो इनकी फीमेल्स होती है उनके लिए अलग अलग सेंटर खोलना, ट्राइबल कल्चरल सेंटर खोलना, इनके लिए स्कूल और हॉस्टल, ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स के लिए हॉस्टल, ताकि जो ट्राइबल गर्ल्स हैं उनको, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो, श्रीनगर में हो, जम्मू में, उनको आसानी हो जाए। और भी बहुत कुछ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और एस्टैब्लिश मिनी सेक्रेटरीट सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। हम चाहते हैं कि एक एक मिनी सेक्रेटरीट हो। आप बोर हो रही है, समझती हूँ, बहुत क्या करें, लोग सुनना चाहते हैं। फ्लाईओवर्स का हम बनाना चाहते हैं जहां जहां जरूरत हो, और डाउन टाउन एज लोकैलिटीज एज हेरिटेज एरियाज। आपको पता है कि अगर आप डाउन टाउन में जाएंगे तो इतना कुछ वहां पर है, वो जो पुराने मकान है, मुफ्ती साहब का भी ये आइडिया था, अल्लाह ताला ने उनको मौका नहीं दिया। हम चाहते हैं कि उसको हेरिटेज सेंटर के तौर पर हम उसको डेवलप करें। और हैंडीक्राफ्ट के बारे में भी बहुत कुछ है, जो उनके लोन्स है, मैं ज्यादा आप उनको इतने सब कुछ पढ़ के बोर नहीं करना चाहती हूँ। और ये तो बाकी आपको इसमें मिलेगा, मगर शुक्रिया करो, जल्दी जल्दी शुक्रिया। नहीं, एम्प्लॉयमेंट में मैंने बोला ना कि जो भी जितनी भी कोई, मेरे ख्याल में 1,00,000 के करीब वैकेंसीज है, उसको हम विद इन 1 ईयर उनको आइडेंटिफाई करके बहुत ही जल्दी उसको फास्ट ट्रैक पे उसकी एम्प्लॉयमेंट करेंगे। और जो ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, जिनको जिनके रिक्रूटमेंट की जिनकी वजह से रुकी है, हम उनको पूरी तरह से आउट कर देंगे। बाकी आपका कोई सवाल हो, खाली इसलिए नहीं है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, पावर कभी हमारा गोल नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम जो जम्मू कश्मीर का के जो मुश्किलात है, जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दा है, उसमें अपना रोल अदा कर सके, और यही हमारे इसमें जो है सबसे ज्यादा है। और जो जमात की मैं बात करूंगी, जो बैन जमात पे बैन है, उस जमात इस्लामी जिसके साथ ये अलग अलग मीटिंग करते हैं, उनको तरले करते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लो, वो इलेक्शन में हिस्सा ले, बहुत अच्छी बात है, पर हम उनका बैन हटाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उनके जो एसेट्स उन्होंने फ्रीज किए हैं, उन पे जो बैन लगाया गया है, उसको हटाने के लिए भी हम जद्दोजहद करेंगे। मैम, यहाँ से, क्योंकि आपने दो चीजों को बड़ी तरजीह दी है, एक ये कि आर्टिकल 370/35 एक स्टेट को कहा कि इससे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो मसला कश्मीर है, कश्मीर इशू है, क्योंकि आप समझते हैं कि जो मसला कश्मीर है, जहाँ स्टेट के पास पावर्स नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स नहीं है, एक इसी सिचुएशन में मसले कश्मीर पे बात करना या इस इशू को एड्रेस बैनल अकाउंट स्तर पे करना, इज इट पॉसिबल? मैंने ये नहीं कहा कि 370 कुछ नहीं है, मैंने कहा 370 हटाने की वजह से मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया। 370 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क के साथ इलाक हुआ है, उसका पुल है 370, और उस पुल को हटाने की वजह से इन्होंने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट किया है। तो जिस तरह से जब मुफ्ती साहब थे तो मुजफ्फराबाद किसने सोचा था खुल जाएगा, खोल दिया ना। ये जो आज बीजेपी वाले जिन्होंने सेपरेटिस्ट लीडरों को जेल में भर के रखा है, इनके जो सबसे बड़े लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, एलके अडवाणी, उन्होंने यासिन मलिक से बात की, उन्होंने मीरवाइज से बात की, उन्होंने शबीर शाह से बात की, तो आज उन्हीं लीडरों को जेल में डालने से तो मसला हल नहीं होता ना। इंजीनियर रशीद को फिर वोट नहीं मिलते, वो भी तो पहली साइड बोलते हैं, तो मसला तो जिंदा है, और हम लोग भी जिंदा है, इसलिए हम जदोजहद करेंगे। और जिस तरह हमने मुजफ्फराबाद रोड को, जिसको मैं आज होम मिनिस्टर को फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, जो वहां कारोबार ठप हुआ है उसको दोबारा चालू कीजिए, बैंकिंग फैसिलिटी दे दीजिए, और जो लोग उस कारोबार से जुड़े हैं उनकी जिंदगी मुश्किल मत कर दीजिए टैक्स लगा लगा। एक ही सवाल देखिए, मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए ये इलेक्शन जो है, या जो पॉलिटिकल जो हमारी जमात है, ये इलेक्शन स्टेट और सीट शेयरिंग के लिए नहीं बनी है। वी हैव अ बिगर
गोल हमारा है, और वो गोल है कि जो जम्मू कश्मीर पिछले 77 साल से इस मुसीबत में है, जिसकी वजह से अगर आप बाहर जाएंगे कोई भी वर्दी वाला आपके कपड़े उतार के आपकी चेकिंग कर सकता है। उस वक्त आपकी डिग्निटी कहां रही? हम डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं, हम रेजोल्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको लगता है जैसे इसने मेरे बच्चे ने कहा कि इतना है असेंबली, बिल्कुल सही है, इन्होंने यहाँ के चीफ मिनिस्टर को म्यूनिसिपैलिटी का चीफ मिनिस्टर बनाने की भी इज्जत नहीं रखी, एक म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट किया सबसे बड़ी पावरफुल असेंबली को। मगर जो ये हमें जगह देंगे आप उसी में लड़ेंगे और लड़के जीत के दिखाएंगे इनसे। हमारे तो हम तो सबको नहीं ले रहे हैं, वी आर बीइंग वेरी चूजी अबाउट दैट। अगर आपने देखा होगा तकरीबन 40 लीडर गए थे और 40 के 40 वापस आना चाहते हैं, मगर वी आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव जिन्होंने पीडीपी के एजेंडे के खिलाफ कभी बात नहीं की, और जिनके हमारे अपने लोग जो वहां काम कर रहे हैं जो वो एग्री करते हैं उसके बाद हम लेते हैं, बाकी यहाँ ओपन एंट्री किसी की नहीं है। अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रायोरिटी है, रास्ते खोलना बाकी, हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे पे चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे चार दो आप तीन दो ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखती है, क्योंकि नेशनल, देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब एक मिनट प्लीज, जब हमने नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जब हमने बीजेपी सरकार के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था जिसके ऊपर हमने एग्री किया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है इनके तो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है, अलायंस सीट शेयरिंग पे हो रहा है। तो हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो, अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर, और हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान, बेशक इस मुल्क के आईन के अंदर हो मगर संविधान होना चाहिए। क्या पीडीपी आज की डेट में इलेक्शन प्रोसेस को बेमानी समझती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हर इलेक्शन हमारे लिए जरूरी, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, पंचायत का हो, असेंबली, क्योंकि ये हमारे लिए एक रास्ता है। जम्मू कश्मीर की मुश्किलात चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो रेजोल्यूशन की हो, ये एक रास्ता है, इसको हम गैर जरूरी नहीं समझते, इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो ये जो मैंने बातें की ये क्या है ओपनिंग ऑफ रोड्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स क्या है, दोनों कश्मीरों के बीच में मिलाप करने की वो क्या है, तो सभी कुछ तो मैं बोल रही हूँ। पुराने रास्ते जो खुलते हैं सेंट्रल और साउथ एशिया में वो क्या है, सब कुछ तो वही है। 2014 में आपने ऐसे ही जो है मैनिफेस्टो यहाँ पे जो है रिलीज किया था, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस किया गया, क्या इस बार मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, क्या हम पोस्ट पोल ऐसे कोई एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाए थे, बीजेपी जमात के साथ नहीं, और उनको ये शर्त थी कि आप 370 के साथ नहीं छेड़ेंगे, और जब तक सरकार रही उन्होंने नहीं छेड़ा। आज जो कि उन्होंने 370 को खत्म किया, इसलिए अब अलायंस किसको किस चीज को बचाने के लिए करेंगे, तब तो हमने बचाने के लिए करी थी, तो ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं है।